अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ मज़ेदार नमकीन प्याज गोश्त की रेसिपी शेयर करूँगी, जिसको बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले हम लेंगे 1 किलो मटन, 4 अदद मीडियम साइज़ के प्याज लेंगे, वो हम प्रेशर कुकर में डाल देंगे, 1 टीस्पून नमक, 3 हरी मिर्चें शामिल कर देंगे, 1/2 कप कुकिंग ऑयल, 2 ग्लास पानी शामिल करेंगे। प्रेशर कुकर को हम कवर करेंगे और 20 मिनट के लिए हम इसको प्रेशर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 मिनट बाद मटन अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, प्याज भी गल चुके हैं। अब यहाँ पर कढ़ाई में हम 3 टेबलस्पून ऑयल लेंगे, 2 टेबलस्पून चॉप्ड किया हुआ लहसुन शामिल करेंगे, 2 से 3 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे फ्राई करेंगे। अब हम इसमें जो प्रेशर कुकर में मटन बनाया था प्याज के साथ वो शामिल करेंगे, मटन और यखनी तमाम हम इसमें डाल देंगे। चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिए। और यहाँ पर मैं आपको दिखाती चलूँ कि जो हमने प्याज शामिल किए थे वो इस तरह से गल चुके हैं, बिल्कुल पेस्ट बन चुका है। अब शामिल करेंगे 1/2 किलो दही, 1 छोटा चम्मच काली मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे, दरमियानी आंच पे हम 10 मिनट के लिए इसको पकने के लिए रख देंगे। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं इसका जो मीट है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, रेडी है, कवर करेंगे 10 मिनट के लिए। और अब यहाँ पर हम एक लीमू लेंगे और लीमू का रस इसमें शामिल कर देंगे। बहुत मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी नमकीन प्याज गोश्त की ये रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब हम इसमें शामिल करते हैं 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, जिसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी, जायका भी बहुत अच्छा है और साथ में बहुत ही खूबसूरत एक कलर आ जाएगा ये जो हम रेसिपी बना रहे हैं प्याज नमकीन गोश्त की। तो ये आप देख सकते हैं हल्दी की वजह से बहुत ही अच्छा कलर आया है। और आखिर में हम शामिल करेंगे 3 से 4 अदद हरी मिर्चें, चूल्हा बंद कर देंगे और इसे हम करेंगे डिश आउट। गार्निशिंग के लिए हम ऊपर से नींबू के स्लाइसेस रख देंगे, फ्रेश धनिया स्प्रिंकल कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।